हेलो गाइस, आज मैं बैंगन का बहुत ही टेस्टी सा भरता बनाने जा रही हूँ, वो भी बिना रोस्ट किए हुए। बहुत ही आसानी से आप इन्हें बना सकते हैं। देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है, आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखिए कैसे करना है आपको। सबसे पहले एक मैंने बैंगन ले लिया, बिग साइज़ का, बड़े साइज़ का। फिर इसको मैं छील लूँगी, इसके छिलके को मैं निकाल दूँगी। और छिलके को निकाल के आपको काट के तुरंत इसे पानी में डालना है। जब आप इसे पानी में डाल देंगे तो ये काला नहीं पड़ेगा, तो ये आपको ये ध्यान देना है। तो आप जितने बैंगन का आपको बनाना है तो आप उतने बैंगन ले लीजिए। हमारे बैंगन काफ़ी ये बड़े हैं, आधा किलो के हैं, तो इसलिए मैंने एक ही बैंगन लिया है। तो मैंने ले लिया है, अब मैं इसे छील ली हूँ। और देखिए बैंगन को ऐसे चेक भी कर लिया, इसके अंदर कीड़े वगैरह नहीं हैं। फिर अब मैं इसे कट कर लूँगी ऐसे 4 पीसेज में, और आप चाहो तो और छोटे भी पीसेस में कर लो। फिर तुरंत आप इसे पानी में डालते जाएंगे ताकि ये काला नहीं पड़ेंगे। और इस ट्रिप्स को आपको ध्यान रखना है। और बहुत ही अच्छा सा ये टेस्टी सा भरता तैयार होता है, आप बिना रोस्ट किए बना सकते हैं। अक्सर हम लोग को, बहुत लोग को रोस्ट किए में स्मेल आती है, उनको इसकी स्मेल पसंद नहीं होती है। तो आज मैं कुकर में बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने कुकर में सरसों का तेल डाल दिया। बैंगन के भरते में ना सरसों का तेल बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद मैंने लाल मिर्ची डाल दिए है, और आप अपने जितना आप तीखा खाते हो उसके हिसाब से डालिएगा। ये तीखी वाली मिर्ची थी, मैंने एक डाला है। फिर मैंने जीरा डाल दिया है तड़कने के लिए। जब अच्छे से तड़कने लगे जीरा, तो उसमें मैंने प्याज डाल दिया है। प्याज के बाद मैंने लहसुन अदरक को कूट के डाला है, वो भी ढेर सारा, क्योंकि उससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। और मैंने एक गाजर छोटा था उसको भी कट करके डालना है। बीच बीच में ना मीठे मीठे उसमें गाजर के टुकड़े आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो और मैंने 2 टमाटर डाल दिए हैं कट करके, वो भी देसी टमाटर है जो खट्टा होता है, तो बैंगन में उसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। फिर स्वाद अनुसार मैंने नमक डाल दिया। जब टमाटर डालते हैं उसके बाद तुरंत नमक डाल देते तो बहुत जल्दी से टमाटर गल भी जाता है। मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची डाला है, और गरम मसाला डाला है, और हल्दी पाउडर डाला है। इन सभी को मैं अच्छे से मिक्स करके अच्छे से इसे फ्राई करूँगी। जब टमाटर अच्छे से पक जाए उसके बाद फिर मैं इसमें मटर डाल दूँगी, और मटर को भी डाल के उसको भी फ्राई करेंगे। और उसको भी पकाना है थोड़ा, जब पक जाए फिर आगे मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। मटर से भी ना बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, गाजर मटर जब आप उसमें डाल देंगे एक नए तरीके से आपका भरता बने। अब इसमें एक खास तरीका हो, जो धनिया मुझे डालना था तो मैं धनिया पहले ही डाल दूँगी। धनिया उसमें पहले से डाल देंगे तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और ज़्यादा सा धनिया डाला है मैंने इसमें, ढेर सारा धनिया डाला है, धुल के मैंने कट करके रखा था उसको भी मैंने डाल दिया। इन सभी को अच्छे से फ्राई करेंगे। उसके बाद जो कटे हुए बैंगन थे जिसको मैंने पानी में रखा था, एक एक करके मैं उसमें डाल दूंगी। और ये जो बैंगन में ये थोड़े से छिलके रह गए हैं, बहुत हल्का सा रह गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद मैंने सारे बैंगन डाल दिए हैं। नमक तो मैंने पहले डाला था, फिर कुकर में मैं एक सीटी लगा दूंगी, ज़्यादा उसे कुक नहीं करना है। एक सीटी मैंने लगाया, तुरंत ये बैंगन पूरा अच्छे से गल गया है। अब मैं इसे अच्छे से ऐसे मैश कर लूँगी, जब आप चलाओगे तो ऐसे ही मैश हो जाएगा। उसके बाद गैस के आँच को आप चालू रखेंगे और इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। जब और पकाएंगे तो इसमें बहुत अच्छे से कलरिंग आ जाएगी। अभी तो ये ऊपर से स्टीम उड़ रहा है इसलिए आपको कलर उतना प्रॉपर नहीं दिख रहा है, पर ये बहुत अच्छा सा कलर आया, वीडियो में नहीं आ पा रहा था। अब देखिए इसको मैंने कटोरी में निकाल लिया है बाउल में, तो देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर भी आया। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी धनिया और डालूंगी, आप चाहो तो थोड़े से नींबू भी डाल दो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसे रोटी पराठा किसी के साथ खाइए, इंजॉय करिए, बहुत ही अच्छा बना है। खाओ पियो इंजॉय करो। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो।